नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 13 देश स्थित हैं, जिनमें से 2 देश ऐसे हैं जो स्थलावरुद्ध हैं और 11 देश ऐसे हैं जो कि तटीय हैं। तो आइए इन देशों के ऊपर अपन थोड़ी सी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में दिखाई दे रहा है, यह ब्राज़ील है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यह फ्रेंच गुयाना, यह सूरीनाम, यह गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे और ये लास्ट में बोलीविया। तो 2 देश तो ऐसे हो गए जो स्थल अवरुद्ध हैं। तो स्थल अवरुद्ध देशों में एक तो पराग्वे हो गया और एक बोलीविया हो गया, और दूसरा दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती, बाकी 10 देशों की सीमाएं ब्राज़ील से लगती हैं। तो उन 2 देशों में शामिल हैं ब्राज़ील से जिनकी सीमाएं नहीं लगती हैं। पहला हो गया इक्वेडोर और दूसरे नंबर पे आ जाता है, ये पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आ जाता है दोस्तों चिली। 2 देश ऐसे हैं जो ब्राज़ील की सीमाएं नहीं लगती हैं, बाकी 10 देशों की सीमाएं ब्राज़ील से लगती हैं, और कुल 13 देश हैं। तो 2 प्लस में खुद स्वयं 1, ब्राज़ील 3, और 10 देश ऐसे हैं जो ब्राज़ील की सीमाएं से लगती हुई है, 10 देशों की सीमाएं। तो चलिए दोस्तों, यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। नमस्कार दोस्तों।